जितने भी कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं उनकी जो खूबी है और उस खूबी के साथ उनका जो व्यक्तित्व और ढंग है सब किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करती है, अच्छा लगता है। इतना कि हम इन चीज़ों पे अपनी निजी जिंदगी में भी चर्चा करते हैं। टोनी स्टार्क का बेबाक अंदाज या स्टीव रॉजर्स का दृढ़ निश्चय, जोकर की अराजकता या बैटमैन का इंसाफ, क्या खींचता है आपको? और बाकी जितने भी हीरोज है या कुछ हालात में विलेंस भी, no one cared who I was till I put on the mask. उनकी अगर ताकत या वो घटना जो उनके व्यक्तित्व को बदल देता है वो हटा दे, अगर उनके सिर्फ सामान्य निजी जिंदगी को ही देखें, तो उनमें से कोई है जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा वास्तविक में गढ़ी है तो वो शायद पीटर पार्कर ही है। Sorry, स्पाइडरमैन को सबका सुपर हीरो कहा जाता है, everyone's सुपर हीरो। लेकिन जब स्टैनली ने फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन का आइडिया पब्लिशर के साथ शेयर किया था तो उस पब्लिशर ने उन्हें तीन चीज़ें कही थी। पहला, लोग स्पाइडर्स पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, एक टीनेज साइड किक में ज़्यादा सही होगा। और तीसरा, जिसके खुद के पर्सनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है वो सुपर हीरो कैसे हो सकते? I'm different. Punch me, I bleed. लेकिन स्पाइडरमैन इतना पॉपुलर हुआ इसका ज़्यादा श्रेय स्पाइडरमैन के वेब स्विंगिंग को नहीं बल्कि पीटर पार्कर के निजी जिंदगी को ही जाता है, उसके स्थिति को जाता है, उसकी समस्याओं को जाता है। हर कॉलेज या स्कूल जा रहा लड़का कभी ना कभी उस स्थान पे खड़ा रहा होता है, रेंट के लिए पैसे नहीं होना, जो पसंद है उसके सामने खुल के व्यक्त नहीं कर पाना, कुछ खास प्रचलित ना होना कॉलेज में। उल्टा पीटर पार्कर का तो हर जगह मजाक ही बनता रहता है। उसे लाइफ से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं चाहिए था, बस मेरी जेन इम्प्रेस हो जाए, कॉलेज में वो भी थोड़ा कूल दिखे, लोग टांग ना खींचे। और क्योंकि वो पढ़ने में तेज था ही तो वो पैसे तो कमा ही लेता। बहुत ही साधारण सी जिंदगी थी उसकी। एक ही चीज़ जो पीटर पार्कर के ज़िंदगी में असाधारण होता है, जब उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काटता है। लेकिन ये घटना महज एक इत्तेफाक ही था, उस जगह कोई और भी होता तो उसमें भी उतनी ही ताकत आ जाती। पीटर पार्कर कोई चुना नहीं गया था, ऐसा नहीं कि वो डिजर्विंग था, उसमें लोगों की मदद करने की महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी। हमारे जैसे वह भी अपनी ही जिंदगी में व्यस्त था, इसलिए जब उसे पता चलता है कि उसमें क्या परिवर्तन आया है और जब वो पहली बार अपनी ताकत को अनुभव करता है तो सबसे पहले वो मेरी जेन को ही इम्प्रेस करने के लिए सोचता है, जिसके लिए वो केज फाइट में जाता है और वहाँ जीत के कार खरीदने की सोचता है। बाकी सुपर हीरोज के जैसे स्पाइडरमैन अपने ताकत को यूं ही निस्वार्थ भाव से दुनिया के लिए नहीं लगाता है, उसे बाद में इस चीज़ का एहसास होता है। सुपर हीरोज में सिर्फ ताकत ही नहीं है, वो उस लायक भी होते हैं और वो जिस परिस्थिति से गुजरते हैं और वो जिस तरह के निर्णय लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो उन्हें उस लायक बनाती है। वो अपनी ज़िंदगी के कष्ट और पीड़ा से ही अपनी नैतिकता खोजते हैं और ये चीज़ पीटर पार्कर को अंकल बेन के मरने के बाद एहसास होता है, क्योंकि वो खुद को ही अपने अंकल की डेथ का दोषी समझता है। वो अपने ही निर्णय को इस नतीजे का कारण मानता है, वो काफ़ी गिल्टी महसूस करता है और इस भावना का उसके मन में अंकल के डेथ से गहरा संबंध बन जाता है। वो नहीं चाहता कि उसे फिर से कभी गिल्ट महसूस हो। अब वो अपने आसपास के जगह को सुरक्षित रखना अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब वो अपनी ताकत को खो भी देता है तब भी बस एक पीटर पार्कर होके भी अपनी जान को जोखिम में डाल के एक बच्चे को आग से बचाता है। लेकिन जब उसे ये सुनने को मिलता है कि बगल के बिल्डिंग में कोई था जिसे नहीं बचाया जा सका, तो उसके लिए भी वो खुद को ही जिम्मेदार समझता है। वैसे स्पाइडरमैन के सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है जिसे हम ज़्यादा ही रिलेट कर सकते हैं, वो है मनी प्रॉब्लम। और स्पाइडरमैन तो केज फाइट में भी जा सकता है लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ संभव नहीं है, इसलिए इकोनॉमिकली स्टेबल होने के लिए हमारे लिए मनी को मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। और ठीक इस चीज़ पर एक बहुत अच्छी किताब भी है, 7 Money Rules for Life by Mary Hunt। ये बुक हमें प्रैक्टिकल और अप्लीकेबल एडवाइस देती है कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे डेट से बचना है, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। पूरी बुक सिंपल 7 रूल्स में बांटा गया है, रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है। इसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम ऐप पे भी सुन सकते हो। कुकू एफएम इंडिया की लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है विद 2.5 मिलियन प्लस एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स एंड 4.5 प्लस रेटिंग्स। यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड और भी बुक्स है, एजुकेशनल कंटेंट है, बायोग्राफीज की कलेक्शन है और इसे आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। मेरी फेवरेट है बायोग्राफी सेक्शन, जहाँ टेस्ला, रामानुजन, भगत सिंह जैसे महान लोगों के जीवन के बारे में आप सुन सकते हो। वैसे भी हमारी स्क्रीन टाइम इतनी बढ़ गई है तो उसके जगह हम कुछ अगर सुन के सीख सके तो बहुत ही अच्छी बात है।
अभी कुकू FM के फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पे बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप STUFF50 कोड यूज़ करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। पहले महीने 99 रुपीज़ के जगह आपको देने होंगे मात्र 49 रुपीज़, और इसमें आप सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। कुकू FM ऐप को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन बनना उसके निजी ज़िंदगी को किसी तरह से बेहतर नहीं करता है, बल्कि नई उलझनें पैदा कर देता है, क्योंकि अब वो जॉब पे ध्यान नहीं दे पाता है, कॉलेज में पढ़ाई छूटने लगती है, उसके दोस्त और उसकी फैमिली से भी रिश्ता ख़राब होने लगता है, MJ का उससे ट्रस्ट ख़त्म होने लगता है। After all these years, he's nothing to me but an empty seat. हैरी स्पाइडरमैन को पकड़ने के ऑब्सेशन में पीटर पार्कर के खिलाफ हो जाता है। Isn't that right? पैसा ना होने के कारण आंट में घर बदल रही होती है, वो खुद भी एक छोटे से रूम में रहता है, और जो जॉब पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बन के भी कर सकता है वो भी स्पाइडरमैन के छवि को ख़राब करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और इस स्थिति में एक ही चीज़ वो इंजॉय करता है, जब वो स्पाइडरमैन बन के स्ट्रीट में होता है, खुद को दुनिया के लिए उपलब्ध करके दूसरों के काम आके वो अपनी ज़िंदगी में सार्थकता देता है। जब स्पाइडरमैन स्ट्रीट में और बिल्डिंग्स को कूद फान रहा होता है, फुल स्विंग और एक्शन में होता है, तो पीटर पार्कर उसमें कहीं खो नहीं जाता है, उसका व्यक्तित्व नहीं बदल जाता है, कॉस्ट्यूम के अंदर तब भी पीटर पार्कर ही होता है, और साथ उसके उलझने तब भी रहती हैं। जब वो स्पाइडरमैन होके जीतता है तो पीटर पार्कर में हार जाता है, और जब वो पीटर पार्कर होके जीतता है तो स्पाइडरमैन में हार जाता है, और इन दोनों में वो चुनाव भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो अपने स्पाइडरमैन के पहलू को अस्वीकारता है तो उसके आसपास को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना कि नुकसान पीटर पार्कर की ज़िंदगी को अनदेखा करने से पहुंचता है। और ये चीज़ उसके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस ला देती है। डज ही वांट टू बी स्पाइडरमैन और डज ही वांट टू बी पीटर पार्कर? Am I not supposed to have what I want? What I need? उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है, इस हद तक कि वो स्पाइडरमैन होना छोड़ देता है। कभी कभी हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है उसे नकार के ही हम उसके पाने की संभावना को बढ़ा पाते हैं। ओनली इन गिविंग अप द थिंग दैट ही वांट्स द मोस्ट कैन द हीरो एक्चुअली अटेन इट। कभी कभी जीवन में प्यार, समृद्धि या शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सीधे उसकी तलाश नहीं होता, बल्कि अपने सबसे अच्छे स्वरूप की खोज करने के परिणाम स्वरूप होता है। इट अकर्स एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ परस्यूइंग द ट्रूएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। पहले कभी कॉमिक में किसी सुपर हीरो के ऑल्टर ईगो को इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला था जितना कि पीटर पार्कर को मिला। स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है और सबसे कूलेस्ट और सेक्सीएस्ट भी। स्पाइडरमैन के बाद लोग फ्लॉट सुपर हीरो भी एक्सपेक्ट करने लगे कहानियों से। इसका मतलब ये नहीं कि हम हीरो को फेल होते हुए देखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें गिरकर फिर से खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, मुश्किल घड़ी में उन्हें निर्णय लेते हुए देखना चाहते हैं, उसे कठिन परिस्थितियों से होकर बदलते हुए देखना चाहते हैं, बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। I forgive you. स्पाइडरमैन भले ही पूरे तरीके से काल्पनिक हो, लेकिन उस मास्क के पीछे जो लड़का है पीटर पार्कर, उसमें हमारी भी सच्चाई गढ़ी है। उसकी स्थिति में हम खुद को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जाने से पहले एक बार कुकू FM ऐप को जरूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।